मोदी सरकार तो झूठी सरकार है। मोदी सरकार है जो झूठी सरकार है। मोदी जी ना प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हो तो वो भी आप डर रहे हो, क्यों डर रहे हो? आपने अपनी बिरादरी का नाम ही नहीं आज लोग बताया। आप कौन सी बिरादरी के, कहाँ के, कहाँ के नहीं? आपको क्या चाहिए सरकार से? हमें सरकार से चाहता है अपने समाज का भला, दलितों का भला, हर बिरादरी का भला चाहता है हमें। जी ताऊ, कैसा काम कर रही है सरकार? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी? हाँ, बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। सारा देश बेच दिया। ना, हवाई अड्डे बेच दिए, रेलवे बेच दी, बिजली बेच दी, गैस बेच दिया। ये तो बहुत बढ़िया काम कर रही है देश। छोटा क्या इन बीजेपी ने? मेरा नाम ओम प्रकाश बोध है। छोड़ा देश में कुछ भी नहीं, छोटा देश के अंदर विकास कर रहे। हाँ, क्या कह रहे हमारे देश के, क्या कह रहे हो? वो तो कह रहे विकास करा अपने देश में। हाँ, तो ये विकास ही तो हुआ है। ये जो सारा देश बेच दे, विकास ही तो दिया करा। और क्या करा, यो ही विकास है। आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार आवे। हम बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जन सैलाब जो मर रहा है, ये बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहा है। बाबा साहब ने इस देश का संविधान बदला है। बाबा साहब ने इस देश का संविधान बदला है। हर वस्तु बदली है और इंसान बदला है। नगर जहर, नगर शहर, झोपड़ी तो क्या, बल्कि पूरा का पूरा हिंदुस्तान बदला है। बाबा साहब ने तो इस देश का नाम दैट इज इंडिया भारत रखा है। ये जो लोग आज कहते हैं इसे हिंदुस्तान बना मांगे, हिंदुओं का देश, कोई यहाँ हिंदू ही रहते हैं? यहाँ हर समाज रहता है, मुस्लिम भी रहता है, ईसाई भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, सभी समाज रहता है। बाबा साहब ने इस देश को गणतंत्र राज्य बनाया है। तो ये देश जो है भारत देश है। और यहाँ का हर आदमी जब से बीजेपी सरकार आई है, चाहे वो हाई कास्ट है या छोटा आदमी है, वो सारा परेशान है जब से। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका विकास है कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास कहाँ रहेगा? ये क्या इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास? हो ये कहा था गुरुदास जी ने, कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब संबसे रैदास रहे प्रसन्न। ये तो बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया है। बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार रही है। बहन जी का क्या काम अच्छा लगता है आपको? बहन जी ने तो जो भी काम किया है सारे अच्छे लगे हमें। बहन जी के सारे काम अच्छे लगे हमें। सबको समान अधिकार दिया है, सबको बराबरी का अधिकार दिया है, सबको रोजगार देने का काम करा है, सारे काम अच्छे लगे हैं। और बीजेपी कह रही है हमसे अच्छा काम किसी ने नहीं किया। बीजेपी तो झूठ बोलने वाली झूठों की पार्टी है। बीजेपी तो ये भी कहा थी, मोदी ये कहा था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। सबको मीर बनाने की बात कर रहा था। कितना खाते में आए भाई, बताइए भाई, आए किसी खाते में? आपके खाते में आए क्या? आपके खाते में आए क्या? चुनावी वादा होता ना, होता चीजों में ऐसी बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा झूठ बोल करके लोगों से जब तो वोट ली है, ये झूठ बोल करके तो वोट ली है लोगों से। तो बहन जी तो नहीं हमारी झूठ बोलती, हमारी बहन जी कभी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, जमीन पर काम करती है, जो कहती नहीं उसे करके दिखाती है। यहाँ क्या माहौल है, यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ जो माहौल है, बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। हमारे जो है अधिक से अधिक कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी जीत कर रहे हैं। अधिक से अधिक। पर मीडिया तो मना कर रहा है सर। मीडिया तो जो है मना कर रहा है। ये तो हमें जो है कांशीराम साहब ने बता दिया था। कांशीराम साहब ने बताया था हमें टीवी पर, अखबार पर, मीडिया पर, इन लोगों पर विश्वास न करना। ये तो बिकम हुए सब कैडर के लोग लग रहे हो। हाँ, मैं कैडर का आदमी हूँ, कैडर आदमी। मेरा नाम ओम प्रकाश बोध है और लॉर्ड बुद्धा सेवा समिति का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और बहुजन समाज पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ। जो बाम से भटक गई है, सही बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब युवा हमारे साथ है, सब बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। चंद्रशेखर भी तो है? चंद्रशेखर है, ठीक है। वो भीम आर्मी तक सीमित था, वो भीम आर्मी तक सीमित था, मगर राजनीतिक पार्टी पर आकर वो गलत किया है, उसे कोई वोट नहीं दे रहा। वोट नहीं, हमारी एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। मेरा नाम सोनू गौतम है। मैं भीम आर्मी का ग्राम अध्यक्ष, पूर्व ग्राम अध्यक्ष रहा हूँ मैं।
जो भारतीय जनता पार्टी है ये भारतीय नाश करने वाली पार्टी है, भारत का नाश करना चाहती है ये। इसको वोट जो देगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है। वो तो पहले देश आगे जा रहा है, देश तो बहुत पीछे जा लिया है। जो कभी आजादी से पहले देश था वहाँ पे देश पहुँच चुका है। तो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इस देश को आगे ले जाने का काम करेगी। और मैं चंद्रशेखर भाई को भी कहना चाहता हूँ, मैं भीम आर्मी का ग्रामपुर ग्राम अध्यक्ष रहा हूँ, पूरी भीम आर्मी बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़ी है, मैं भीम आर्मी का अध्यक्ष रहा हूँ। विकास ने क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने क्या विकास किया? मैं लक्सर क्षेत्र का रहने वाला हूँ, अभी अभी चुनाव का टाइम आ गया है, सड़कें बनाई हैं और वहाँ 10 दिन बाद उखड़ी पड़ी है, जो विकास कर रहे हैं। और क्या विकास किया? मोदी जी कह रहे हैं देश आगे जा रहा है। नहीं नहीं, कहीं आगे नहीं जा रहा, देश तो सारा बेच दिया उन्होंने, सब बेच दिया, बिजली बेच दी, रेल बेच दी, और आपका ये गैस बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, छोटा क्या देश के अंदर लोगों की जेब खाली कर ली। मूर्ख आदमी है जो ऐसा करते हैं। धर्म कभी कोई किसी को गलत और आने पर नहीं ले जाता है, जो एक दूसरे पर छिंटा कसी करते हैं कि मुस्लिमों के प्रति, यहाँ मानव धर्म है, मानव धर्म को मानते हैं, मानव है जो भी कुछ है, हम किसी को नहीं मानते हैं। विवाद हुआ था धर्म संसद को लेकर, मुद्दा बनेगा क्या यहाँ पे? मुद्दा मुद्दा तो ये अपने आप ही बना दिया है, मुद्दा तो खुद ही बना दिया जब ऐसे बोल रहे हैं, मुद्दा तो बना गया। चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए? जातिवाद पे, धर्म पे होना चाहिए, विकास पे होना चाहिए? चुनाव तो जो है विकास पे होना चाहिए, काम कार्यों पर चुनाव होना चाहिए, जो अच्छे कार्य करेगा वही आगे कामयाब होगा। सबसे पहले जय भीम नमो बुद्धाय, पहला आदमी मिला जय भीम, जय संविधान। मैं अभी जो रास्ते से गुजराया आ रहा था, मेरे साथ में काफिला था बहुजन समाज पार्टी का, तो जो मेरे साथी थे, मेरे साथ आगे थे, उनसे जो भाजपा वाले कुछ व्यक्ति और ये पुलिस प्रशासन, बीजेपी कैसा काम कर रहे हैं? सुनो सुनो, पहले पुलिस प्रशासन वो हमारे से आना, हमारे काफिले से बहुजन समाज पार्टी के झंडे लिए और गाली भी दी, तो हम ये सहन नहीं करेंगे। देश चलेगा संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। ये संविधान से नहीं चला रहे देश, ये देश संविधान से नहीं चल रहा, ये देश हम सोए थे गफलत की नींद में, आज गफलत की नींद में नहीं सो रहे हैं, हम सोए थे। हमारा जो समाज था, हमारा बहुजन समाज था, वो गफलत की नींद में सोया था, आज गफलत की नींद में सोया गया नहीं है। अब जाग प्रकार से सुनो, हम सोए थे गफलत की नींद में, ये पता नहीं कौन जगा गया, इन्हें पता नहीं बहुजन समाज वालों को, हम सोए थे गफलत की नींद में, ये पता नहीं कौन जगा गया, पीते थे जो सदा विष के प्याले, ये पता नहीं अमृत कौन पिला गया, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इन लोगों को अमृत पिलाया, इन लोगों को ना संविधानिक दायरे से शिक्षा सम्मान दिया, सब कुछ दिया। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, ऐसा नहीं होने देंगे, ये तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलने देंगे। तानाशाही कर रहे मोदी? हाँ, तानाशाही चल रही है। कहा वो तो कहे, मैं तो फकीर आदमी हूँ। फकीर आदमी, वो फकीर कहने के बावजूद फकीर है, नहीं तो कुछ नहीं फकीर। गरीब माँ के बेटे हैं वो, तो गरीब माँ के बेटे नहीं है वो तो बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल बेकार हो, वो हाथ में कटोरा है ना, वो गरीब नहीं है, वो कुछ नहीं है, गरीब तो जनता। सुनो एक मिनट मैं चर्चा करूंगा थोड़ी सी, है ना, शिक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, व्यवसाय ले लिया, सब कुछ ले लिया, क्या छोड़ा? सिर्फ ना सिर्फ मजबूरी छोड़ दी, व्यवसाय भी ले लिया, शिक्षा भी ले ली, दीक्षा भी ले ली, सब कुछ ले लिया, क्या छोड़ा? मजबूरी, मजदूरी भी नहीं छोड़ी, तो क्या क्या रह गया हमारे पास में? फिर राशन दे रहे, ये लोग ये
लिए कहते हो कि मेरा देश महान, पर मैं कहता हूँ मेरा नाम अरविंद सिंह बोध, गांव नगला इमरती, मैं बोलता हूँ मेरा देश महान कैसा है। मेरा देश बेईमान, मेरा देश बेईमान, मेरा देश बेईमान। महानता की बात तो हो ही नहीं यहाँ से, महानता की कोई बात नहीं हो रही यहाँ से, यहाँ बेईमान की बात हो रही हो, अत्याचार की बात हो रही हो। काम कैसा क्या है बीजेपी ने जी, काम बताइए ना, काम कैसा है? काम कैसा है? काम ये है, शिक्षा गई, दीक्षा गई, व्यवसाय गया, कुछ भी तो नहीं रहा। विकास तो हो रहा पर है जी, विकास हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ, केवल गुलामी, केवल गुलामी, बाकी गुलामी रह गई है और कुछ नहीं रहा। सुरक्षा मिल रही है श्रीमान महोदय जी, गुलामी रह गई है बस और कुछ नहीं रहा। इन लोगों ने देश को, ये लोग बोलते हैं बाजा बाजा है ना नेता, नेतागर्दी इतनी झाड़ता यहाँ से स्टीन भी छुड़ा लेता, नेतागर्दी झाड़ते झाड़ते कहता है मेरा देश महान। देश महान नहीं है, देश को लूट कर खा लिया, सोने की चिड़िया बताते हैं ये लोग है ना, नेतागर्दी झाड़ते हैं, सोने की चिड़िया बताते हैं, सोने की चिड़िया वह इनके पेट में समाई हुई है। ये बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है बताया नहीं पा रहे? बीजेपी जो सरकार हो बिल्कुल टोटल एकदम है ना, बिल्कुल बिल्कुल गंदा काम कर रही है। तो कट्टर बीएसपी का, बीएसपी का पक्का। अच्छा, बहन जी को दोगे वोट? वोट बहन जी को। और बीजेपी को ना? अरे जी आप बताइए अंकल जी, आए क्या है माहौल? माहौल पूरा किसका है माहौल? हत्तीगा। अच्छा, हाथी क्यों अच्छा लगा आप लोगों को? ये अच्छा लगा है पार्टी ने हमारी। और बीजेपी कैसा काम कर रही है? बेकार बेकार काम, बड़े काम कर रही, अच्छा काम नहीं कर रही। पर मोदी जी तो कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी कहे कि अच्छा काम कर रहा, कुछ भी नहीं काम है, रोजगार खत्म, रोटी से भी परेशान बच्चे है, कहना जो है जो खर्चा जो हिम्मत है वो खत्म हो लिया। अच्छा, तो आप बीएसपी को वोट दे? बीएसपी का कौन सी समाज से आते हैं? कौन सी समाज से आते हैं, कौन सी जाति से? हमारी हमारी रोजगार भी नहीं कुछ भी है, रोजगार भी लग रहा है, रोजगार नहीं कुछ नहीं लग रहा है। बीजेपी को एक भी वोट ना दे दियो। अच्छा, अरे कांग्रेस, कांग्रेस 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 की सरकार तो नहीं आ रही, यहाँ नहीं आ रही, कांग्रेस यहाँ नहीं आ रही।